प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे उसके पहले वो जंगल सफारी करके लौटे थे। जंगल सफारी के दौरान प्रधानमंत्री के लिए जंगल में मंगल वाले तमाम व्यवस्था किए गए थे, रेड कारपेट ग्रीन कारपेट बिछाए गए थे। प्रधानमंत्री तो निकले थे जंगल में जानवर देखने के लिए, लेकिन उनके लिए जिस तरीके से वहाँ व्यवस्था की गई थी, जंगल में भी प्राकृतिक और नेचर के करीब रहने वाले प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाए गए। और ये तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर, खुद बीजेपी ने कई तस्वीरें डाली है उसमें भी दिखाई पड़ रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क से सीधे वो काशी के लिए पहुंचे हैं, काजीरंगा टू काशी। और एक तरफ जो जू सफारी है वहां उन्होंने कई सारी तस्वीरें लिखा जो है खिंचवाई है, खुद कई तस्वीरें वो खुद कैमरे में कैद करते हुए दिखे, हाथियों के साथ फोटो खिंचवाते हुए, हाथियों को प्यार दुलार करते हुए, गन्ना खिलाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है। जो आलोचक है प्रधानमंत्री के वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब जंगल में जाते हैं वहाँ भी रेड कारपेट बिछवा देते हैं, ग्रीन कारपेट लगा कर उस पर चलते हैं, ये सब तस्वीरें वायरल हो रही है। उसके बाद काशी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे वहाँ वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचे, मंदिर में गए, विशेष पूजा, उस पूजा के दौरान कैमरे हर वक्त प्रधानमंत्री को कवर करते रहे, तस्वीरें निकलती रही। और उन तस्वीरों में एक ऐसी तस्वीर आई जहां प्रधानमंत्री के ऊपर भगवान भोलेनाथ के पूजा के दौरान जो फूलों की माला है वो उनके सर पर रखी गई, और वो फूलों की माला जो वो पहने हैं उनके सर से लटक रहा है। और ये अद्भुत तस्वीरें निकल के सामने आई और ये आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे फूलों की माला भगवान शंकर को चढ़ाया जाए तो सही है, लेकिन कोई व्यक्ति खुद अपने आप को ये आत्ममुक्ता में इस तरीके की तस्वीरें खिंचाए वो कहाँ से है। उसके बाद हाथों में त्रिशूल लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। साथ ही साथ कई ऐसे जो बातें कही जा रही है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उन्हें होने वाली बातें पहले से एहसास हो जाता है, ये भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है, भगवान की महिमा है, या प्रधानमंत्री को खुद यह लगता है कि उनके अंदर भी कोई ऐसी शक्ति है जो उनको एहसास करा देती है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक तस्वीर की खूब जो है वायरल करके सवाल पूछे जाते हैं, तस्वीरें निकाली जाती है और उसे लेकर सवाल पूछा जाता है। अब चुनावी साल है, कुछ दिनों में चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, ऐलान होने वाला है, इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री चुनावी मूड में आ गए हैं, चुनावी मोड में अपने आप को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कई जनसभा कई जगहों पर उन्होंने बड़ा जो है कार्यक्रम किया और उसमें भी बीजेपी के मिशन 370 और एनडीए के 400 पार का नारा दिया और इसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से विज्ञापन भी निकाल दिया गया है, बीजेपी की तरफ से जो विज्ञापन निकाला गया उसमें कहा जा रहा है कि किस तरीके से जब दो देशों के बीच हालात खराब हुए थे तो भारत के जो बच्चे वहाँ थे उनको कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल प्रमाण से कुशल बरामद वापस लाया गया, इसकी भी उपलब्धि बीजेपी अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनको देने की होड़ मची हुई है। इन तमाम चीज़ों पर सोशल मीडिया पर खूब जो है मीम्स बन रहे हैं, सवाल उठाया जा रहा है। ये वीडियो देखिए, तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आ रही है। ये वीडियो भी अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद डाला गया है, बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर, और वहीं से जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, जो आलोचक है प्रधानमंत्री के, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।